साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर स्टडिंग अ वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑन ग्रुप्स बिसाइड्स मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपार्ट फ्राम अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर या पैटर्न कॉमन है उनको समझने के लिए भी हम ग्रुप में साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं While using a um, psychological test, an attitude of objectivity, scientific orientation, and standardized interpretation must be kept in mind. It is a comprehensive and integrated assessment that involves interviewing, psychological testing, and evaluation of the outcomes of psychological services. What are the skills that are needed for psychological assessment? Firstly, you should have the ability to select. Karpao, और मल्टीपल मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर पाओ एंड मीन्स ऑफ इवेलुएशन इन वेज दैट आर रिस्पॉन्सिव टू एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स कपल्स फैमिलीज एंड ग्रुप्स मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर किसी एक एज किसी एक जेंडर किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप के लिए सही टेस्ट को सिलेक्ट करना और इवेल्यूशन के लिए मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करना ईजी one of the ability or skill that is required for psychological assessment then you should have the ability to utilize systematic approaches to gather data required for taking decisions you should have the knowledge of psychometric issues and basis of assessment methods you should have knowledge of issues related to integration of different data sources you should have the ability to integrate assessment Data from different sources for diagnostic purposes. You should have the ability to formulate and apply diagnosis to understand strengths and limitations of current diagnostic approaches. You should also have the capacity for effective use of supervision to implement and enhance your skills. Now, psychological testing must be done by only that psychologist who is trained in psychological testing. इट is टू बी एडमिनिस्टर्ड strictly बेस्ड ऑन the information गिवन इन द मैनुअल ऑफ each टेस्ट दिस इंक्लूड्स ki टेस्ट का purpose क्या है वो यानी कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है किस टारगेट पॉपुलेशन पे यूज़ हो सकता है यानी कि हर टेस्ट ज़रूरी नहीं है सब पर हो सके कुछ टेस्ट एक पर्टिकुलर एज के लिए होते हैं कुछ टेस्ट हो सकता है सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन के लिए हों कुछ हो सकता है सिर्फ यूएस पॉपुलेशन के लिए हों कुछ टेस्ट हो सकता है सिर्फ मेल्स के लिए हों कुछ सिर्फ फीमेल्स के लिए हों सो so, क्या टारगेट पॉपुलेशन है जिस पे आप यूज़ कर सकते हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए थर्ड इज़ टाइप ऑफ वैलिडेशन डन ऑन द टेस्ट टेस्ट में क्या वैलिडेशन है यानी कि किस बेसिस पर वो मेजर करता है किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्सटर्नल क्राइटेरिया क्या है वैलिडेशन का यानी कि किन किन एरियाज़ में देखा गया है कि ये टेस्ट काम करता है रिलायबिलिटी इंडाइसिस क्या है यानी कि स्कोर्स में कितना पॉसिबल एरर हो सकता है किस सैम्पल पर स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है यानी कि जब टेस्ट कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्ट किया गया था तब किन लोगों पर टेस्ट किया गया था इंडियंस पे या अमेरिकन पे रूरल पर या अर्बन पर लिटरेट पर या इलिटरेट या सेमी लिटरेट पर एक्सेट्रा टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में कितना टाइम लग रहा है स्कोरिंग पैटर्न्स क्या हैं यानी कि किस किस चीज़ को स्कोर करना है और किस मेथड से स्कोर करना है क्या क्या नॉर्म्स हैं दैट इज़ व्हाट काइंड आर अवेलेबल नॉर्म्स के क्या क्या काइंड अवेलेबल हैं वट इज़ द अप्रोप्रिएट ग्रुप विच इज़ टू बी यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स मेल फीमेल एज ग्रुप्स एक्सेट्रा क्या किसी एक किसी स्पेशल फैक्टर का कोई इन्फ्लुएंस है यानी कि दूसरे लोगों कुछ टेस्ट होते हैं जो सिर्फ अकेले में होते हैं दूसरों के प्रेजेंस में नहीं होते किसी किसी को आप कर सकते हो दूसरों के प्रेजेंस में सो ऐसे फैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए क्या स्ट्रेस की सिचुएशन में आप ये टेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एक्सेट्रा एंड उस टेस्ट के क्या लिमिटेशन हैं यानी कि किन लोगों को या किस चीज़ को ये पर्टिकुलर टेस्ट असेस नहीं कर सकता या किन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सही असेसमेंट नहीं होगा इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए नाउ वी आर डन विद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स लेटेस्ट डिस्कस इंटरव्यू स्किल्स नाउ फर्स्टली वॉट इज़ एन इंटरव्यू एंड इंटरव्यू इज़ अ पर्पजफुल कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल दैट फॉलोज अ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मैट दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा कॉन्वर्जेसन जिसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है और वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मैट को फॉलो करता है इज़ एन इंटरव्यू नाउ फॉर्मैट ऑफ इंटरव्यू सबसे पहले वी हैव ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहले आप रेपो को इस्टेब्लिश करते हो सो so दैट जिस पर्सन का इंटरव्यू लिया जा रहा है यानी कि इंटरव्यू ही जो है उसको कम्फर्टेबल फील हो कॉन्वर्जेसन इज़ यूजली स्टार्टेड बाय द इंटरव्यूअर ज़्यादातर इंटरव्यू कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करता है सो so दैट वो स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू के गोल को इस्टेबलिश कर सके कि इस इंटरव्यू का मेन पर्पज़ क्या है एंड गिव द इंटरव्यू ही द टाइम टू बिकम कम्फर्टेबल सो दैट इंटरव्यू भी इंटरव्यू भी कम्फर्टेबल हो सके नेक्स्ट वी हैव बॉडी ऑफ द इंटरव्यू यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछने होते हैं आप उन क्वेश्चन को पूछते हो सो so दैट आपको एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड पर्पज़ के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो सारा आपके पास गैदर हो सके अ स्केडूल और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज फॉलोड फॉर विच द डोमेन्स और कैटेगरीज मस्ट बी डिसाइडेड ठीक है क्या क्वेश्चन पूछने हैं या क्वेश्चन का क्या सीक्वेंस होगा इसका एक स्केड्यूल पहले से तैयार किया जाता है जिस और ये इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि किस किस कैटेगरी में आपको क्वेश्चन पूछने यानी कि आपको फर्स्टली डेमोग्राफिक डिटेल्स चाहिए फिर फ़ैमिली डिटेल्स चाहिए फिर फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए फिर मूड डिटेल्स चाहिए फिर पास्ट uh, हिस्ट्री चाहिए फिर बायोलॉजिकल हिस्ट्री चाहिए एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा ठीक है सो so, क्या क्या डोमेन्स में आपको इंफॉर्मेशन uh, चाहिए वो आपके पास कैटेगरी तैयार होती है पहले से किस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं इंटरव्यू में इसके लिए हमारे पास दो या तीन चीज़ें होती हैं सॉरी फर्स्टली वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं आप डायरेक्टली पूछते हो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है एक ही आंसर हो सकता है इसका देन वी हैव ओपन एंडेड क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो उतने ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होते और इंटरव्यू uh, को एक ओपन स्पेस um, मिलता है टू आंसर इट एज दे वांट फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड यू फील वेन योर फादर शाउटेड ऑन यू सो इट इज़ अ ओपन एंडेड क्वेश्चन यू हैव गिविन अ लॉट ऑफ स्पेस टू द क्लाइंट और द इंटरव्यू ही टू आंसर द क्वेश्चन एज दे वॉन्ट जैसे उनको आंसर करना है वैसे वो कर सकते हैं ठीक है सो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये दैन वी हैव क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ येस नो में रिस्पॉन्स किया जा सकता है या जितने भी एम सी क्यूज़ होते हैं वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं यानी कि तीन या चार ऑप्शन हैं उन्हीं में से कोई एक आंसर होना चाहिए बाइपोला क्वेश्चन वो होते हैं बाइपोला क्वेश्चन बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ही एक टाइप होते हैं यहाँ पर सिर्फ दो रिस्पॉन्स होते हैं या तो यस yes हो सकता है या नो हो सकता है ऑल राइट right?

कि क्या आपको लगता है कि आपको गुस्सा आया था तब ठीक है so, सो यहाँ पर अगर इंटरव्यू के दिमाग में नहीं भी है गुस्सा वाला शब्द तो आपने पुट कर दिया है उस वर्ड को ठीक है अब वो सोच सकता है कि हाँ शायद गुस्सा तो आया था ठीक है सो दीज आर लीडिंग क्वेश्चन देन देयर आर सम मिरर क्वेश्चन मिरर क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन जिनका मेन पर्पज़ क्या होता है कि पर्सन रिफ़्लेक्ट कर सके जिस uh, जो भी उन्होंने बोला है एंड उस पर एक्सपैंड कर सके फॉर एग्जाम्पल द पर्सन सेड कि आई वॉज़ वेरी एंग्री नाउ यू कैन से नाउ योर क्वेश्चन कैन बी आपने थोड़ी देर पहले बोला था दैट यू वर वेरी एंग्री कैन यू टेल मी वॉट एक्चुअली मेड यू एंग्री दिस इज़ अ मिरर क्वेश्चन यानी कि आप चाहते हो कि पर्सन ने जो पहले बोला था वो उस चीज़ पर सोचे रिफ्लेक्ट करें एंड देन एक्सपैंड करें ऑल राइट दीज आर मिरर क्वेश्चन द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज़ क्लोजिंग द इंटरव्यू द इंटरव्यू हियर शुड समराइज़ वॉट और शी हैज़ बीन एबल टू गैदर जो भी इंटरव्यू में बात हुई है उन सबको समराइज़ करना आपको एक डिस्कशन के साथ एंड करना चाहिए अपने इंटरव्यू को एंड नेक्स्ट इस इंटरव्यू के बाद क्या स्टेप होगा उसको डिस्कस करना चाहिए इंटरव्यू अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई कमेंट देना चाहता है तो उसके लिए भी एक चांस मिलनी चाहिए आप लास्ट में प्रॉब्बली बोल सकते हो दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डिस्कस यू कैन आस्क मी आप इस तरह से बोल सकते हो नाउ वी आर डन विद इंटरव्यूइंग स्किल्स ऑल्सो